छाया डाल रहा है तो उसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ से देखोगे तो ये इसके कॉर्नर से सन दिखाई पड़ेगा कि नहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई चीज खड़ी है तो उसके जो सूर्य का किनारा वो दिखाई पड़ेगा, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब पोल की हाइट कितनी है, 8 मीटर, तो शेडो की हाइट निकालनी है। सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ की तरह देख रहा है, और डिप्रेशन का असर नीचे करके सूर्य को देखोगे, कहाँ से देखना चाहते हैं सर, बिल्कुल का सूर्य को सूर्य पानी में थोड़ी ही देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज 40 डिग्री, एट ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई, 40 मीटर की ऊंचाई का टॉप ऑफ टावर है, और वहां से अगर हम जमीन में देखें तो एक बिंदु है जिसके लिए नजरें कितनी नीचे करनी पड़ती हैं, 40 डिग्री, सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 40 मीटर हाई है, 30 डिग्री का डिप्रेशन है, सो एनी पॉइंट जो पी है उसका डिप्रेशन है, और ये 30 डिग्री अल्टरनेटिव पी के एंगल हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ये भी निकालना है, हाइपोटेन्यूस, बीपी को एक्स में लेंगे, ये जरूर सब में बना, अरे पीडी आपको शेडो निकालनी है, ये ठीक है, ऑफ पोल, ये चीज क्या है पोल, और ये चीज पोल, ये पोल टावर, और इसकी हमें शेडो की लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो टेन थीटा कितना दे रखा है, 6/7, टेन थीटा इज 6/7, और यहाँ के हिसाब से 18/x इज इक्वल टू 6/7, तो क्या x निकल आएगा, तो x ही हमें निकालना है, दो टावर है, वे एक बिंदु पर जो उनके उनका मध्य बिंदु है उस पर वे 60 डिग्री और 45 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, तो हमें उनके ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, सो देयर आर टू टावर्स हूज हाइट इज, ठीक है, एक्स एंड वाई है, एंड दे सबटेंड एंगल, दिस इज द सेंटर, और भी कुछ अगर दे रहा हो, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, फाइंड द रेशियो, तो मैं इन दोनों को कुछ ना कुछ ए ले लूं, क्योंकि दोनों तो थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ, सेम ही है, ठीक है, तो ये बताओ कि tan 60 क्या हुआ, tan 60 x/a, और tan 45 x/y, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू y/a, y इक्वल टू है और x का रूट 3 है, तो फाइंड द रेशियो, आपको एक रेशियो चाहिए, tan 60 रूट 3 होता है ना, हां आज रूट भी रख देंगे, अब जरा देखो तो ये रूट आपसे क्या पूछा जा रहा है,
यही तो क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो बताओ। तो एक्स कितना है? रूट थ्री ए। और वाई क्या है? ए। और नीचे वन ए। तो ये क्या, अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो रूट थ्री प्लस वन अपॉन वन ए आ जाएगा। तो इनका रेशियो रूट थ्री प्लस वन आएगा बस, ठीक। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, एक टॉप ऑफ टावर है अनफिनिश्ड है एट ए डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द बेस, सो उसके आधार बिंदु से 80 मीटर की डिस्टेंस पर एक बहुत अच्छा बताया, क्योंकि एक्स वाला 45 कर रहा है, हम नहीं गलत करिए, अभी सबका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं जान दोगे तो गलत ही होगा। पढ़ो, हमने एक्स के लिए कितना लिखा था, सही है कि नहीं? अब ये 45 है तो यहाँ 45 कितना पड़ेगा कि नहीं? ये चलो अब ये देखो, ये कितना हुआ वन है और ये कितना हुआ रूट थ्री है। उसी पेपर है तुम्हारे पास, क्वेश्चन पेपर ठीक है। तो अब बताओ x और 1 ये सब हटा दो, x कितना है? a a plus root 3a और upon root 3a, a को कॉमन लो तो 1 plus root 3 by a root 3 a कट गया, तो आंसर क्या आया? 1 plus root 3 is to root 3। ये देखो, चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अनफिनिश्ड टावर है सो एट ए पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर और वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। उसको और कितना हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट ये 60 हो जाए। तो मान लो हम इसको और ऊंचा उठाएं, ये कितना हो जाए 60, 30 को थोड़ा कमी कर दें, 30 इतना तो नहीं होता है, इतना होता है 30 है। अब बाद में कितना चाहिए? 60 डिग्री। और ये 80 मीटर है, तो पहले ये बात बताई गई है ये 80 मीटर है और कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे x ले लें और इसे y ले लो। तो अब हमें चाहिए y, x नहीं पूछा है, क्या पूछा है? y। तो ये बताओ कि tan 30 क्या हुआ? x अपॉन by root 3। अच्छा, बात सही बताई है इसी बात में। और बोलो tan 60 क्या हुआ? root 3 अपॉन 80। ये सही है, तो 1/3 equals to x by 80, 1/√3 equals to x by 80, is equals to x by 80, x equals to 80 root 3, 80 by root 3, यही तो x है। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, y root 3 into 80 क्या हुआ? x plus y, इसे माइनस कर देंगे 80, ये उधर ले जाओ, इसको यहाँ रख दो x की जगह, तो 80 root 3 is equal to minus 80 by root, थोड़ा कम गाइडेंस करेंगे और फिर हम निकाल देंगे। सो 80 root 3 minus 80 by root 3 it is equal to y, Katrina root 3 यहाँ लिया, बोलो यहाँ क्या आएगा? सर वो root 3 into में नहीं जा सकता सर, मैं बताऊँ? रुक जा सोनन, रक्षित कितना? मैं बताऊं सर, मैं बताऊं
आप टॉपर हो इस बार के, आप बताओ पीयूष। लेकिन रूट थ्री को भी बदल लो, 160 रूट थ्री बाई थ्री, 160 √3/3 सर ये आपने जो भेजा था उसमें रूट थ्री से इनटू कर रहा था जब सर टेस्ट में ये रहेगा या जो जब तक क्वेश्चन में ना दिया आपने ना सही देख मैंने पूरा मतलब पूरा टेस्ट में ये रहेगा क्या कैसे हो टेस्ट में ये रहेगा सर जो दिया है तो फिर आपसे दिया तो फिर उसने दिया ना उसी जैसा ड्रीम कम क्या कर जब रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी है तो नहीं पुट करो। शिवम क्या कह रहे हो सर ये रहेगा कि टेस्ट में? अरे ना सर रहने दो ना सर, आप सर फिगर रहने दो, आप किसी का दिल नहीं तोड़ना सर। लेकिन आपके उसमें रूट थ्री की वैल्यू पुट थी, गलत मत करना सर। आपके आंसर में रूट थ्री की वैल्यू पुट थी तो पुट थी तो मत करो। जब इसमें नहीं दिया तो नहीं करना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन उससे इनएक्यूरेसी आती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल फ्रॉम फुट ऑफ टावर कितना है? 60 डिग्री। टॉप ऑफ हिल और फुट ऑफ टावर से क्या है? दैट इज 60 डिग्री पे ये हिल दिख रही है। 60 डिग्री पे हिल। अच्छा अब देखो, इफ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल फ्रॉम फुट ऑफ टावर, और ये टावर है, टावर छोटा होगा ना, एक पहाड़ी तो बड़ी होगी। अच्छा नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल और पहाड़ी से अगर टावर देखा जाए तो कितना पड़ेगा? 30 डिग्री। सुनो इसमें टू टावर दिए हैं सर, पहाड़ सर 30 डिग्री वो होगा सर इधर वाला एंगल ऑफ। सुनो सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो सर। नहीं लिखो इस टावर इज 50 मीटर हाई तो इसे 50 मीटर लिखो। लास्ट में टू टावर लिखा है उसको क्या लिखो? देन फाइंड द हाइट ऑफ इट। अब जगह इसे एक्स ले लीजिए और अब ये एक्स ले लो और इसे वाई ले लो तो आपको क्या पता करना, हाइट ऑफ इट पता चल जाएगी। कर लोगे ना मुख्य सवाल की तरह? दो जगह से देखा जाता है और जिन दो जगह से देखा जाता है वे दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यस एक थीटा तो 90 माइनस थीटा। ये तो दोनों है, ये कोटी पूरा कोण है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो अगर ए की डिस्टेंस ए है और दूसरे की डिस्टेंस बेस से कितनी है बी डी है और हमें हाइट ऑफ टावर एच ले लेनी चाहिए जबकि अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा क्या हुआ या एच बाई ए और टैन 90 माइनस थीटा क्या हुआ सर सीधा लिख दो ना कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई बी कॉट कितने कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और बाद में उन दोनों को इंटू कर दोगे तो एक्स स्क्वायर सर इस क्वेश्चन में मेरी बहुत गलती होती है सर
देख लो tan tan थीटा ही लो जो एक हैवी टर्म बना रहा है दैट इज x y b है बोलो tan लेते हो लेते रहो अब ये cot बन गया हां cot थीटा कितना हुआ x y b अब cot को पलट cot क्या होता है कवन बाई tan अब इनटू कर दो x y b तुलना कर सकते हो एच वाई एच इक्वल टू बी वाई एच तो बोलो एच वाई ए कंपेयरिंग वन एंड टू कंपेयरिंग वन एंड टू कर देना तो बोलो एच स्क्वायर क्या हुआ ए बी क्या हुआ समझ में आया ना आसान मेथड आ गया सर एक बार वापस से पूरा पूरा tan थीटा = h / b tan 90 - θ / b सर वो tan 90 सर बस 7 तो सही है सर cot हुआ रुक जाओ cot हुआ cot का उल्टा क्या हुआ tan 1 by 10 फिर उसको भी बना दो अच्छा इधर भी tan है और इधर भी tan है तो tan दोनों के राइट हैंड साइड्स को आप इक्वेट नहीं कर सकते बोलो चले सर बस इतना बहुत है अरे सर 14 और 15 तो करवाना है पिछले हां सर आप पिछला वाला करवा दो ना हाँ सर पिछले वाला और ये वाला करवा दो सर पिछले के चार और इसके सेवन अभी देखो एट करिए एट क्वेश्चन क्या दे रहा फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन लाइन एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर इज मीटर हाई ठीक है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन ए लाइन फ्रॉम फुट ऑफ टावर तो एक एच मीटर ऊंचाई के टावर से दो बिंदुओं को जो कि संरेखीय है देखे जाने पर उनका अवनमन कोण कितना कितना एंगल अल्फा और बीटा अल्फा एंड बीटा तो दीज आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन विच लाइज ऑन अ लाइन दीज आर कोलिनियर तो वहां से देखे जाने पर उसके अपेक्स से देखे जाने पर इतने ही एंगल आ रहे हैं सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सर एक्स ले लो इसको एक्स ले लो इसे वाई और सर वाई सर बीटा बीटा बड़ा है अल्फा से तो वो पहले बीटा लिखिए ऐसा बोला गया हां देखो कितने अच्छे बात हो पहले बीटा लिखिए ऐसे कोई ना बताए तो सब गलत हो ऊपर वाले बीटा बड़ा ही होता है तो एच को सिर्फ इधर रखो एच कितना हुआ एक्स टेन बीटा एच रहने दो यहाँ और यहाँ से एच क्या हुआ बताओ एच प्लस वाई टेन अल्फा तो अब इनको कंपेयर कर लो तो बोलो एक्स टेन भाई राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट कंपेयर हो जाएगी तो एक्स टेन बीटा किसके इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई टेन अल्फा प्लस वाई अच्छा बोलो एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा एक्स टेन अल्फा अल्फा
अब हमें क्या चाहिए? सर हमको उस साइड से आप x की वैल्यू निकालिए, उस साइड से x प्लस y की वैल्यू निकालिए। सर tan को cot में कन्वर्ट जाएगा, cot में सर बदलना होगा ना, आपने स्टार्टिंग में cot में h चाहिए ना, और x एलिमिनेट करना है हमें, x एलिमिनेट करना है ना कि h, क्योंकि हाइट चाहिए ना। तो सर tan को कॉमन ले लो, तो नहीं सर ठीक है, x tan को कॉमन ले लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ y आ गया, tan theta को डिवाइड करो। ये समझ लो कि आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना। सर मैं बताऊं, मैं वो कह रहा हूं शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और x दिया हुआ है, एच दिया है, एच हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। एच नहीं एलिमिनेट करेंगे, एक्स को समझ आया ठीक है, और वाई निकालना है, क्या निकालना है? वाई और एच को रखना है, एच नहीं आता। तो यहाँ पर अब देखो कि एच वाई एक्स है, तो बोलो एक्स टैन बीटा क्या हुआ? एच, तो बोलो एक्स क्या हुआ? एच वाई टैन बीटा। और यहाँ से देखो, यानी x को आप h cot बीटा कह सकते हो? नहीं, आप कह सकते हो 51 by 10 बीटा क्या होता है? cot बीटा सही है? सर नहीं, देखो x tan बीटा is h, तो x क्या हुआ? ये x को हटा देंगे, इधर जैसे मैं x लाया हूँ उधर भी x ला के हटा दूँगा, एकदम बेहतर। और यहाँ पे देखो x plus y tan अल्फा क्या है बताओ? तो x plus y क्या हुआ? x by tan अल्फा होता है, x cot अल्फा जो चीज प्रोडक्ट में क्या वो दूसरी तरफ आप हो सर, x plus y equal to h cot अल्फा, x plus y क्या बताओ? h cot अल्फा, h cot अल्फा, और x क्या है? अच्छा मैं समझ गया सर, h cot बीटा, तो ये चीज इधर रख दोगे, h cot बीटा, बीटा प्लस y is h cot अल्फा, तो बोलो y क्या आ गया? h cot अल्फा माइनस h cot बीटा और cot सर h cot कॉमन ले लो, आ गया कॉमन ले लो, तो ऐसे ही आ गया। हां आ गया, अब ये थी सर, h को तो कॉमन लेना पड़ेगा। हां सही है ना, क्योंकि हमें x हटाना था ना कि h। ये इन दोनों के बीच की हाइट, ये डिस्टेंस है जो दो पॉइंट, तीन मार्क का क्वेश्चन बस ये ना, ऐसे ही है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। सर बस इतना ही, रुक जाओ सर, आरडी वर्मा ने तीन नंबर लिया, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले टेंथ पे आओ, नाइन्थ को भी स्किप करना है, टेंथ पे आइए। नाइन्थ इजी है, लेकिन इजी है कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, तो ये नहीं आया सुनने, फिर से समझो, ये x, ये आया, तो ये h cot बीटा इधर ले हम, और इस कॉमन सर आपका प्लस वाई कैसा है, वो तो माइनस हो जाएगा ना उधर जाके। अरे तुम उधर पे ही नहीं जा रहे, हमारी ही तरफ है। अच्छा आपकी तरफ है, मेरी तरफ कहाँ है? और वो ऊपर बादल है, उसको देख रहा है, तो वो बादल को भी देख रहा है, अब क्या बादल की टुकड़ी को नीचे भी देख रहा है? पानी में उसकी एक छाया बन रही है, बादल की जितना बाहर होता है, मतलब ये लेक है ना, तो लेक से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लोगे, लेक से जितना ऊपर उतना ही लेक से नीचे, भाई ये लेक है यहाँ से जितना ऊपर, आप यही तो वो बोल रहे सर, और नीचे बनाओ, और बच्चा जहाँ पे बैठा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, अभी समझो। मेरा कहने का मतलब है कि क्या जो किसी भी मिरर में, मिरर के सरफेस से जितने ऊपर यू रहता उतने ही पीछे वी रहता, मतलब जो आप, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, तो वाटर एक मिरर का कार्य कर रहा है क्या? समझ आए ना, तो ये बच्चा अगर इस पानी की सतह पे देखा तो जितनी ऊंचाई पे बादल उतनी ऊंचाई पे ही वो दिखे, ये सही है कि नहीं? सही बात। तो ये डिस्टेंस अगर आपकी x है
सर नीचे वाले भी x होगी, तो यहाँ से उसके पानी के तल से भी उसकी डिस्टेंस x होगी, लेकिन बच्चा खुद कितने ऊंचाई पर बैठा h from the pond h, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? हाँ सर, वो x माइनस h हो जाएगा और नीचे वाला x प्लस h हो जाएगा। ये अल्फा है और ये, तो आनंदिता यदि ये x है तो ये कितना हुआ? x में से h हटा दो, x माइनस h, सर x बस x माइनस h, ये बात माही समझ में आई? हाँ, तो पूरा x है तो h नहीं कम करूंगी। अब आनंदिता x में h जोड़ दो, कम से कम यहाँ से नीचे तक का तो निकले इस ट्रायंगल की ये पूरी साइड, ये x है ये h है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? x plus 2x x तो यहाँ तक हाई है, h और जोड़, लेकिन h क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट नहीं चाहिए, 10 थीटा वाला। अच्छा, x plus h, और उस ट्रायंगल के लिए हाइट चाहिए। बेस तो दोनों में कॉमन है, बेस को तुम खिसका देंगे, बेस को बी ले लो कुछ ले लो, बेस का काम तो बेस से कोई मतलब नहीं, ए ले लें बेस, यानी मान लीजिए एक बच्चा पहाड़ी पर बैठा है, और पहाड़ी पर बैठा है और ये पानी का तल है, तो ये ऊपर देखता है कि यहाँ कुछ को एक बादल दिखाई पड़ा, लेकिन उस बादल की छाया क्या पानी के तल से नहीं नीचे दिखाई पड़ेगी? अब ये यहाँ से जब बादल को देखता है तो उसे नजरें ऊपर उठानी पड़ती है, और जब उसकी छाया देखता है ये पानी है, सही है? अब ये जहाँ बैठा है वहाँ पेड़ उगा, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे बैठा है, सही है? तो ये तो छाया है, और चूंकि ये वर्चुअल इमेज तो डॉट कर दें, कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन ये जो होगी वही ये हाइट होगी पानी से, तो मैंने इन दोनों को एक्स मान लिया, और इसे भी क्योंकि सरफेस से जितना पीछे होगी एक रूल है, और यदि ये h है तो बची हुई हाइट क्या हुई? x माइनस h, और अगर इतना x है plus x plus h, तो ये x plus h हुई कि नहीं? x है, ये x है और h और जोड़ दो, तो इस तल से, क्योंकि इस ट्रायंगल सर h भी तो लिख दो उधर बगल में कि बच्चा जाते बैठो बैठ, ये बच्चा h पे बैठा, कुर्सी पर ही ऊंचाई पे, चलो ये h है, अब इतनी बात समझ आ गई, और इसके बीच की डिस्टेंस को तुम a ले लो, क्योंकि तभी तो ट्रायंगल बनेगा, a हटा देंगे थोड़ी देर, a हमने लेट किया है तो हट गया। अब आपको हाइट ऑफ क्लाउड चाहिए, हाइट ऑफ क्लाउड नहीं, आप x तो नहीं समझ रहे, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर से, यही है कि नहीं? प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आ चुका है, तो बोलो टैन अल्फा कितना हुआ? अगर जिसे आपको लेट ए करना है और कुछ ना समझ में आए तो लिख देना लेट ए बी इज इक्वल टू ए, और वो भी ना समझ में आए तो ए बी सिर्फ ले लो, ए बी हटा दो, मतलब ये ए जो लिखा है ना लेट ए बी इज इक्वल टू ए, कुछ ना लिखो सर, उसको ए बी ले लो सीधा, ए बी ले लो, ए बी इक्वल टू ए, सो टैन अल्फा क्या हुआ बताओ? ए एक्स माइनस एच अपॉन ए बी हुआ, हाँ ए होगा ना, अरे ए बी ए ही है, लिखिए सर पहले देखो x plus h बाई ए बी, x प्लस ए बी की वैल्यू दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर लेंगे, ए बी इधर ले लो, हटा दो ए बी को, तो फुल काम सर, ए बी को इक्वेट भी कर सकते थे, x माइनस x टेन थीटा,
ये भी क्या हुआ x by x by 10 बीटा कंपेयरिंग कॉट में सर अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे x minus x by 10 अब ये इसमें मल्टीप्लाई करो और x plus h में ये चीज ऊपर वो उधर जाएगी तो फिर टेन में ही रखना है ना कॉट थोड़ी ना बनाना है और अब सारे x एक तरफ ले आओ टेन ऊपर फिर से माइनस में कैसे आया माइनस ये है तो आया आंसर आने वाला है टेन बीटा माइनस टेन और यहाँ एक्स कॉमन ले लो आप इसको डिवाइड में भेज देंगे आंसर आ गया निकल गया x क्या हुआ x tan अल्फा प्लस tan बीटा और अपॉन सर अगर ये tan बीटा माइनस tan अल्फा सर अगर ये पेड नहीं बनाएंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ठीक है नाउ 11 सर ये ज्यादा हार्ड नहीं था यार पर सर सर दिमाग लग गया और 11 सवाल दिए थे पिछली बार आठ दिए थे तीन बार में जोड़ना एक घंटे में इतना नहीं हो पाएगा दो अपने मन से कर लो आगे के दो नहीं नहीं दो में कराने दो कर लेंगे ठीक है लास्ट के दो पहले के दो जैसे टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन आइदर साइड ये बुक का क्वेश्चन है फिर भी करा रहा हूँ टू पिलर्स ऑफ इक्वल साइड थोड़ा सा बस बताता हूँ देखो इक्वल हाइट पे है और वो किसी बीच के बिंदु से कितना कितना एंगल बना रहे हैं ये 60 डिग्री है और 30 डिग्री ये 30 डिग्री है इन दोनों को एक्स दे दो पूरा अगर 100 है x ले लो सर ये और x माइनस 100 ले लो तो फिर इसे h हाँ फिर इसे x भी आता हूँ x 100 माइनस 100 चलो मीटर दिख रहे ना सर डायग्राम में कौन सा है अच्छा अब देख लीजिए tan 60 क्या है h by x और tan 30 क्या है h by x plus h by नहीं नहीं h by x हमें h निकालना h हटाना है तो h हटाने के लिए मैं क्या करूं h इज इक्वल्स टू x रूट 3 और यहां जरा बताओ 1 बाय रूट 3 हो जाता है 1 बाय रूट 3 और 100 माइनस x ऊपर लूं हां सर 100 माइनस x तो उधर क्या बचा h h हटा दो दोनों को इक्वेट कर दे इक्वेट करके तो x रूट 3 जय समझ में आए ये क्या किया 1 बाय रूट 3 का इसको इधर नहीं दिया तो x रूट 3 4x इक्वल्स टू 100 x इक्वल्स टू 25 रूट 3 को उधर ले जाओ अरे 3x 4x हो जाएगा तो 3x x 3x किसके इक्वल हुआ 4x तो 4x किसके इक्वल हुआ x 100 बाय 4 x 25 है मतलब उस 4 से ये देखो 1/√3 है तो वो क्या हुआ 100 माइनस x अगर मैं ये इसे उधर ले लूं तो क्या होगा बोलो 100 माइनस x अपॉन और उधर h पर
बचेगा उसे कंप्लेन कर दो थ्री। फिर अब क्या करो बताओ, एक्स रूट थ्री किसके इक्वल हुआ, एक्स रूट थ्री किसके इक्वल हुआ, 100 माइनस एक्स वाई रूट थ्री, और यही रूट थ्री यहाँ चला जाए तो क्या 3x हो जाएगा, बोलो। अच्छा एक आखिरी सवाल करो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाई 25 मीटर अबाउट ग्राउंड एट एन एलिवेशन 60 डिग्री, शुरू शुरू में जब ये एरोप्लेन देखा गया तो ये कितने एलिवेशन पर था, 60 डिग्री, और जब ये एरोप्लेन आगे निकल गया तो फिर ये कितने एलिवेशन पर पाया गया, सब 15 सेकंड में, ये 15 सेकंड में, अगर इसकी स्पीड x है तो 30 डिग्री पे फिट आया गया, 15 x हुआ, कितना चल गया हुआ, नेट स्पीड इज x मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 15 सेकंड 15x। सर एक मिनट फिर से समझाओ, अरे अभी तो कुछ समझने वाला है, खुद को तो हमें समझ में आया, सब तो समझा हूं, तो अभी एक सेकंड x मीटर चलता है तो 15 सेकंड में कितना चलता है, 15x, दैट इज वेलोसिटी टू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, तो बाद में इसकी 30 डिग्री हो गई और ये 15x है, तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसे 15x लिखूं और 2500 क्या है, h ये है, हां उसके बाद अगर 2500 किलोमीटर मीटर मीटर अब ये फाइंड द स्पीड, तो अब मुझे बताओ सर आप पहले स्पीड अपॉन डिस्टेंस करके आप निकाल सकते हो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन इसे वाई ले लो बस, वाई हटा देना, हां टैन 60 क्या है, टैन 60 आपको कैसे पता 15 सेकंड में 1 मीटर, अरे क्वेश्चन में है ना, कहां देख 12 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आप बताइए 15 एक्स, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो, स्पीड अपॉन टाइम, बताओ वो x मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, हमें कुछ पता थोड़ी नहीं रहता फार्मूले से निकालते हैं, अब सिर्फ इसकी स्पीड कैसे फाइंड करनी, 15x मीटर x हमें पता करना है, x ही इसकी स्पीड है, वेलोसिटी x है, x पता लगा लोगे तो स्पीड आ जाएगी, अब इसी में से x पता लगाना चाहते हैं, tan 60 पता चला कितना है बोलो, sir tan 60 2500 divided by 2500 divided by y, और बोलिए tan 30 कितना है, 2500 divided by 15x plus y, चलो 15x plus y, तो ये 60 है, root 3 y कितना है, 2500, तो यहाँ जलाओ हमको इसमें वाई हटा देना, वाई हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का एक्स है, तो अब जरा देखो कि सर 2500 बाय रूट 3 आ जाएगा वाई की, वाई हटाओ देखो स्पीड है सर किलोमीटर पर आवर, अब ये देखो हमें y हटाना है तो y कितना है, 2500 बाय 2500 बाय 2500 = 2500 बाय 2500, तो बोलो x कितना आ गया, 2500 √3।
अभी मैं ही बता रहा हूँ जरा, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा बाकी समझ में। तो रूट थ्री कैटरीना नाम क्या आएगा बताओ? विद्या तो बोलो x कितना आया सर रूट थ्री से ऊपर नीचे इंटू बोल दो 5000 रूट थ्री तो रहा ही कैसे देखो 15 इंटू 3 अब हम ये हमारा एक्स आ गया जो आंसर है ये चीज आ गई क्या तुम्हें ये बात मालूम है ये मीटर पर सेकंड में इसको 60 इंटू मीटर पर सेकंड तो अगर हम इसे किलोमीटर पर 5000 कर दो और इंटू 3600 देख लो मीटर को कट करना है तो 1000 मीटर नीचे लिखो और ऊपर क्या लिखो 3600 और सेकंड को कट करना है तो क्या ऊपर सेकंड लिखो और नीचे आवर लिखो है वही लेकिन मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड से सेकंड यानी इक्वल चीजें लिखो नहीं सर हमें एक किलोमीटर का किलोमीटर में निकालना था भाई तो मीटर से मीटर कटा और सेकंड से क्या कटा दो जीरो से दो जीरो कटे और 2 5 18 अब मुझे बताओ 9 से 18 कटा 2 और 5 से कुछ कटा हां 1000 तो क्या 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो मीटर पर सेकंड बनता है और 18/5 से कर दो 2 किलोमीटर सर v क्या होता है वेलोसिटी ना तो आपने क्या लिखा स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी सर उसको एक बार बताओ ना एस एस को क्या बोलते हैं देखो दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस क्या हुआ स्पीड इनटू टाइम और स्पीड कितनी भी है एक्स और टाइम 15 तो बोलो 15x हो गया अब सही चलो अच्छा बात है यस सर सर 45 मिनट भी क्या सब कुछ हो जाएगा समय की कोई कमी नहीं है सिर्फ इतना मत भूल जाना बस सर जो सर हो सकता है सर आपने 11 क्वेश्चन का बोला था ना अच्छा 9 नहीं करना तो क्या नहीं है 9 नहीं करना तो इसका कट कर दीजिए एरो प्लीज सर अलग अलग कट लेना हां सिर्फ ऐसे ही जो बोलेगा नहीं तो ज्यादा बोलेगा बचा सबसे क्या
रूट को देख के सवाल पहले नहीं करने।